Hi guys, I hope you all are good. So guys, this is Yusuf from YZ Fitness. और guys, सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिखाया. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वर्कआउट लेके आया हूँ जो सिर्फ आप इजीली अपने घर की या किसी क्रीपी पार्क की स्टेयर्स में कर सकते हैं. और guys, ये वर्कआउट आपको फैट बर्निंग के लिए बहुत हेल्प करेगा. So guys, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं तो वो सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए अब हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं. सो गाइस, इस एक्सरसाइज में आपने स्टेयर्स के ऊपर जॉगिंग या वॉकिंग करनी है जो आपको इजी लगे, और आपने ये एक्सरसाइज करते हुए अपने आर्म्स को मूव करना है और अपनी कमर को सीधे रखना है, और आप ये एक्सरसाइज 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज में आपने क्विकली अपने एक पांव को आगे और एक पांव को पीछे लेकर जाना है, और आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी कमर सीधी रहे, और ये एक्सरसाइज भी आप 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं. इस एक्सरसाइज में आपने पहले अपने फुट को सीढ़ी के ऊपर टैप करना है, और साथ ही साथ आपने अपने आर्म्स को पीछे लेके आना है, और आपने कोशिश करनी है कि आपकी कमर सीधी रहे, और ये एक्सरसाइज भी आप 30 सेकंड्स तक परफॉर्म करेंगे. सो गाइस, इस एक्सरसाइज में आपने पहले अपने एक पांव को सीढ़ी के ऊपर रखना है और दूसरे पांव को ऊपर की तरफ लेकर जाना है जहां तक आप इजीली लेकर जा सकें, और आपने अपनी कमर को सीधा रखना है, और आप ये एक्सरसाइज 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं. और गाइस, ये एक्सरसाइज हमारे एब्स मसल के लिए बहुत इफेक्टिव है. सो गाइस, इस एक्सरसाइज में पहले आपने स्टेयर के ऊपर जंप करना है, और आपने फिर इसी पोजीशन में स्क्वाट करना है एज लो एज यू कैन. सो गाइस, इसमें भी आपने अपनी कमर को सीधा रखना है, और ये एक्सरसाइज भी गाइस आप 10 टू 12 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. सो गाइस, इस एक्सरसाइज में पहले आपने स्टेयर्स के ऊपर खड़े हो जाना है, और आपने वन बाय वन अपनी लेग को रिवर्स लेकर आना है, और गाइस आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप नीचे की तरफ लंज को परफॉर्म करें तो आपकी कोर सीधी रहे. सो गाइस, इस एक्सरसाइज में आपने पहले स्टेयर के स्टेप के ऊपर बैठकर अपने आप को बैलेंस करके अपनी लेग्स को अपनी चेस्ट के पास लेकर आना है, और गाइस ये एक्सरसाइज हमारे लोअर एब्स के लिए बहुत इफेक्टिव है. तो गाइस, इस एक्सरसाइज में भी आपने अपनी कोर को सीधे रखना है, और ये एक्सरसाइज आप 12 टू 15 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं. सो गाइस, लास्ट एक्सरसाइज में आपने इस पोजीशन में ट्राइसेप डिप्स परफॉर्म करने हैं. एंड गाइस, आपने मेक श्योर करना है कि जब आप नीचे की तरफ आएं तो आपकी कोनियां टक इन ही रहें, मींस वो बाहर की तरफ खुले ना, और गाइस आपने अपनी कोर को सीधे रखना है, और ऊपर आकर आपने ट्राइसेप को अच्छे से स्क्वीज करना है. वॉचिंग द वीडियो, और गाइस आपने देखा कि इस वर्कआउट के लिए हमें जस्ट सीढ़ियों की ज़रूरत है, और अगर आप ये वर्कआउट डेली करें 2 से 3 टाइम्स तो गाइस आप इस वर्कआउट से अच्छा खासा फैट बर्न कर सकते हैं. एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.